हेलो एवरीवन, मायसेल्फ डॉक्टर मीनू अरोड़ा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे गवर्नमेंट जॉब्स की सीरीज स्टार्ट की है फॉर द ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको हर रोज़ नोटिफिकेशंस मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस की या उसकी डेट जो है चली गई, तो इन दैट केस आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जॉब के बारे में। आज की जॉब है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। जॉब का टाइटल है असिस्टेंट अकाउंटेंट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है हमारे यहाँ पे 33। मिनिमम एज लिमिट है एज ऑन 1 जुलाई 2020 ईयर्स, और मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 40 ईयर्स की एज ऑन 1 जुलाई 2020। और अगर आप बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी से, तो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग चेक करेंगे रिगार्डिंग द एज। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, एज वेल एज ऑफिशियल साइट का लिंक भी। तो आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट है सैलरी। इस जॉब की जो सैलरी है वो पे स्केल में रहेगी 29,800 to 94,800 पर मंथ। जॉब लोकेशन लखनऊ की है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट बहुत पास है, 29 September 2020। आपके पास अभी भी पूरे 5 दिन बाकी हैं, तो ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिए। एक एक चीज़ मैंने उसमें एक्सप्लेन की है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे सबमिट करना है, ताकि आप इस एप्लीकेशन को ऑन टाइम फिल कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट डेट्स। डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जो आपको भरना है, वो भरना है 29 September 2020 तक। और आपको जो फ़ीस फिल करनी है, फ़ीस भी आपको इसी टाइम पीरियड में जो है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा फिल करनी है। और अगर आप सबमिट करते हैं थ्रू SBI चलान के लिए, तो SBI चलान के लिए आपको एडिशनल 2 डेज दिए गए हैं। दैट मीन्स आप 1 October 2020 तक जो है सबमिट कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट पे जाके लिंक को ओपन करेंगे, तो लिंक को ओपन करने के बाद आपके सामने ये सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पे आई एग्री का बटन दबाना है और प्रेस करना है स्टार्ट टू प्रोसीड फर्दर। उसके बाद आपको पूरी डिटेल डाउनलोड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, मैंने उसमें मेंशन किया है, वहां से जाके आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और केयरफुली उसको रीड आउट कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। आपको बहुत ध्यान से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। आप एडिट कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन एक बार ही अगर फॉर्म सबमिट हो जाता है तो वो वापस एडिट नहीं होता। तो लास्ट में जब आप सबमिशन पे क्लिक करेंगे, उससे पहले आपको पूरी डिटेल को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। और एप्लीकेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड। एक बार ही अगर एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो वो एडिट नहीं हो सकती, और उसके रिगार्डिंग कोई भी फीस जो है वापस रिफंड या एडजस्ट नहीं की जाए। प्रोसेस फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन इज गिवन बिलो। प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जब आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेंगे और आई एग्री का बटन दबा देंगे, उसके बाद आप प्रेस करेंगे स्टार्ट बटन। सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है, आप मदर्स नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बहुत केयरफुली एंटर करेंगे, क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शन इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे दी जाती हैं, और ज़्यादातर ईमेल आईडी पे ही कॉन्टैक्ट किया जाता है। On completion of step number 1, candidate will receive user ID and the password on their registered email ID and the mobile number. जब आप application में अपना mobile number और email ID को fill कर लेंगे, तो आपके mobile number और email ID पे आपका अपना personal user ID और password आएगा, उसके through ही सारा process आगे fulfill किया जाएगा। अब registration के बाद आपको जाना है application tab icon पे, right कॉर्नर पे ये मेंशन होगा, जिसके अंदर आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है और जितनी डिटेल्स पूछी गई हैं उनको आपको प्रॉपरली फिल करना है। रिगार्डिंग योर पर्सनल डिटेल्स, रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको अपलोड करना होगा, अपना फ़ोटो और सिग्नेचर। बट फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हुए साइज़ देख लीजिएगा, जिस भी साइज़ में एप्लीकेशन में मांगा गया है, आगे मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया, उसी साइज़ में आपको जो है अपलोड करना है। और सबमिशन ऑफ फ़ी का चलान नंबर या डेबिट कार्ड नंबर वगैरह आप उसमें मेंशन करेंगे।
फ़ोटो आपकी रीसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। साइज़ जो है स्कैंड फ़ोटो का होना चाहिए 100 KB इन JPG और JPEG फॉर्मेट। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको सिग्नेचर किसी भी वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से करने हैं। उसके बाद आपको जो है उन सिग्नेचर को स्कैन करना है प्रॉपरली। स्कैन करने के बाद जो आपकी पिक क्लिक होगी, उस पिक का साइज़ जो है, उस पिक का जो साइज़ होगा वो 30 KB इन JPG और JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अदरवाइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर आपके अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको नहीं पता है कैसे कंप्रेस किया जाता है, तो कंप्रेसर आता है, तो आप जो है एक ऐप है, आप उसको जो है डाउनलोड कर लेंगे और उससे जो है साइज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। फ़ोटो अपलोड होने के बाद, सिग्नेचर एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट सब अपलोड होने के बाद, आपके पास एक प्रीव्यू का टैप आएगा जो आप ज़रूर प्रेस करेंगे। प्रीव्यू का टैप आने के बाद आपके सामने आपका पूरा का पूरा फॉर्म प्रेजेंट हो जाएगा। पूरे फॉर्म में सारी डिटेल्स को आप अच्छे से चेक करेंगे। अगर आप एडिट करना चाहते हैं कहीं पे कोई भी चीज़, तो इस टाइम पे एडिशन अलाउड है, आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन वंस आपने सबमिट कर दिया, तो उसके बाद कोई भी एडिशन या कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है। तो प्रीव्यू की टैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक बार ही प्रीव्यू करेंगे और पूरे फॉर्म में जहाँ तक आपने भरा है आप उसको बहुत प्रॉपरली चेक करेंगे। आप फीस को पे करते हैं SBI के चलान मोड से, तो आपने देखा था SBI के चलान मोड में आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। एंड इन केस अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इन SBI चलान के फॉर्म में, तो आपके पास ये हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है और gmail ID दिया हुआ है जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जल्दी से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और प्रॉपरली साइट पे जाके फॉर्म को जो है फिल करिए, इससे पहले कि आपकी लास्ट डेट निकल जाए। लास्ट डेट बहुत नियर बाय है, 29th of September, आफ्टर 5 days। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको एज सून एज पॉसिबल मिल पाए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।